हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ सुनील भारद्वाज, आई एम द फैकल्टी ऑफ टुडे। विल डिस्कस विद यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका आया हुआ है बीसी ईसीई एली के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने देखा है प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो ये क्वेश्चन करना, ये कहता है अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग एज सोन इन द फिगर। आपके पास में इस तरीके का फिगर है। इस फिगर में 200 वेट आपका यहाँ लगा हुआ है। दो स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन लगा हुआ है T1 एंड T2 विद एंगल 30° एंड 45°। तो इसमें दोनों वैल्यू निकालनी है, फाइंड करना हमें T1 एंड T2 क्या है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, इसमें देखिएगा, इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा कि ये सवाल क्या किस तरीके से है। अगर मैं बात करूँ, ये वाली जो लाइन है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरीके से क्या काम कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आपने देखा कि ये एक पॉइंट है जिस पर क्या हुआ है, 200 न्यूटन क्या लगा हुआ है, एक फोर्स लगा हुआ है। और यहाँ से इसी पॉइंट से ये आपका एक टेंशन हो गया और एक आपका क्या हो गया, ये टेंशन हो गया। जिस इसको क्या कह दिया इसने, T1 कह दिया है, और इसको क्या कह दिया इसने, T2 कह दिया है। ये किस एंगल पे है, दिस इज़ द 45 एंगल, और ये किस एंगल पे है, दिस इज़ द 30° एंगल। और इसी न्यूटन को आपका एक क्या करेगा, ये लाइन इस तरीके से आप करोगे, ये इसको क्या करेगी, बैलेंस करेगी। क्या करेगी, इसको बैलेंस करेगी। बैलेंस करेगी तो 200 न्यूटन है। तो यहाँ पर दो केसेस लगेंगे आपके पास में, लगेगा T1 साइन 45, क्योंकि भाई एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है। अगर हम इस तरीके से केस लगते हैं तो इसमें अगर केस करें, दिस इज़ द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर इसको चेक किया जाता ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो इस केस में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इस केस की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो आएगा, ये आएगा T1 cos 30°, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये आएगा T2, कितना आएगा बेटा, T2 cos 45°। तो ये रिजॉल्व हो जाता है कि जो आपके पास में T1 एंड T2 आर रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स हियर, आपको पता हो गया ये केस में, क्योंकि यहाँ पे देखो दिस इज़ द बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये केस आपका आ जाएगा, यहाँ पर दो फोर्स आपके साथ में काम करेंगे, एक करेगा यस, इसके एरिया में लिखता हूँ, यहाँ एक काम करेगा T1 साइन 30°, और दूसरे एरिया में ये वाला जो फोर्स है, और यहाँ पर करेगा T2 साइन 45°। तो इस तरीके का ये क्या रहेगा बेटा, केस रहेगा। इस केसेस को आपको यहाँ पर इसी तरीके से इसको देखना है। यहाँ तक इसको आपने देख लिया, इसको आपने समझ लिया। तो अगर मैं बात करूँ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ, पहला केस निकालते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। तो मतलब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर अगर मैं बात करता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दोनों बैलेंस हैं। क्या हुआ, T1 cos 30°, और ये आपका आ जाएगा T2 cos 45°। ये आपने इस तरीके से देख लिया। अगर हम बात करें T1 इंटू में cos 30 की वैल्यू 3/√2, √3/2 ये केस हो जाएगा, और यहाँ से T2 दिस इज इक्वल टू 1/√2, ये केस इस तरीके का आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप T2 की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा, T2 की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, यह आ जाएगा √3/2 इंटू में √2 और इनटू में क्या जाएगा T1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा √2 टाइम्स। तो T2 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3/2, अंडर रूट के अंदर है 3/2
इनटू में क्या आ जाएगा टी वन, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये आपने टी टू की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। क्योंकि ये केस केवल आपको क्या है, आपको देखना है कि ये किस तरीके का केस बन रहा है। यहाँ पर केवल इक्विलिब्रियम फोर्सेस की बात करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ कंकरेंट फोर्सेस की मैं बात करूँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन का केस देखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन का केस। अब देखिए ये 200 न्यूटन है, इन दोनों फोर्सेस से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो आप इसको कर दीजिएगा साइन 30 डिग्री प्लस T2 साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू क्या है 200 न्यूटन है। ओके T1 साइन इसकी वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है, प्लस T2, ठीक है, और T2 की वैल्यू भी मैं डाल देता हूँ जिससे पता चल जाएगा। ये यहाँ पर ये क्या रहेगा √3/2, ठीक है, T1 इंटू में 1/√2, ये आ गया दिस इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ये भी आपने देख लिया, T1 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कॉमन ले लेते हैं T1, तो यहाँ आएगा 1/2 प्लस, और 1/2 भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि एक स्टेप हमारा क्या हो जाएगा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा T1 √T1/2 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस भाई ये आएगा आपका √3, क्योंकि √2 इंटू में √2 क्या होता है 2 होता है, तो वो मैंने क्या कर लिया बाहर कॉमन ले लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया 200 न्यूटन। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। तो यहाँ से अगर आप T1 की वैल्यू निकालोगे तो बेटा ये 2 उधर जाकर क्या बना देगा, इसको बना देगा 400/1 + √3, 1 + √3। ये केस आपने देख लिया या इस तरीके से। और जब आप ये केस करोगे, यहाँ देखिएगा T1 की वैल्यू निकालोगे, ये आ जाएगा 400/1 + 1.732, दिस इज इक्वल टू 400/2.732। तो इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया है, इसको यहाँ से क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है, और इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, T1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 146.4 न्यूटन। ये आपकी T1 की वैल्यू आ गई है कितनी 146.4 न्यूटन। ये इस तरीके से आपने क्या कर दिया बेटा, T1 फाइंड आउट कर दिया, क्या कर दिया इसको T1 फाइंड आउट कर दिया है। अब देखिए थोड़ा सा पार्ट और है। अब ये आपने देखा होगा, यहाँ से T2 निकालना है। T2 क्या है, ये रूट टाइम से तो है, जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप इससे देखना, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी दिख रहा है कितना जाएगा, ये आ जाएगी 3/2 इंटू में T1 की वैल्यू क्या है, ये रही T1 की वैल्यू है 146.4 न्यूटन। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो या तो तुम्हें पता होनी चाहिए 179.3 न्यूटन आएगा इसको सॉल्व करने के बाद में, क्यों आपको √3 की वैल्यू पता है, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, और √2 की वैल्यू भी आपको पता है 1.414। ये जब वैल्यू आप करोगे दिस अपॉन में दिस इंटू में, तो ये आपका ये इस तरीके से आएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये इस तरीके की प्रॉब्लम आपको आ रही है। एक बार और देख लीजिए, अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग एज सून इन द फिगर। तो ये फाइंड द T1 एंड T2, ये आपका आर्टिकल है, इसको आपने देखा, ये है यहाँ से एक डायरेक्शन ये जा रही है, ये आपका गया, ये गया। मतलब कहना चाहता हूँ तो मैं अगर मैं कहना चाहूँ किधर गया, हाँ आप इसको यहाँ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कि ये एंगल आपका कितना आ गया 45 डिग्री और ये आपका कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसको आपने इस देख लिया, और केवल आपको क्या करना है, बॉडी को बैलेंस करना है, और आपको उसके साथ में क्या कर देनी है, कैलकुलेशन कर देनी है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन है, देखो करना जो भी है, ठीक है,
एक क्वेश्चन समझिएगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर दीजिएगा, नहीं आए तो हमें पूछ लेना। चलिए और अच्छा सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, दूसरा सवाल है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एट इट्स मेन पोजिशन, इट्स मेन पोजिशन इफ मेन पोजिशन इफ इट इज एबल, इफ इट इज एबल एबल टू राइज अ वर्टिकल वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है टेक जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कह रहा है आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की इस तरीके से आपको फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि कोई भी पेंडुलम है इस तरीके से मूव कर रहा है, हाइट, हाइट का कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है वी इजक्वल टू अंडर रूट क्या आता है 2mgh, ठीक है, क्या आता है 2mgh, तो इसके लिए सॉरी एम तो एम जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2gh। तो एक बार देख लीजिए, मैंने कल भी आपको इस तरीके का एक सॉल्यूशन कराया था, मैंने कराया था अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गई हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एम से एम कैंसिल आउट हो जाता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ गया, और वी बराबर क्या आ जाएगा 2gh रूट के अंदर आ गया। आपको गिवन क्या है, गिवन है केवल आपके दो चीज़ गिवन है कि g की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या चीज़ है हाइट गिवन है 0.10 सेंटीमीटर, क्या रखा 10 सेंटीमीटर की बात कर रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या जाएगा 10 × 10^2 कितना -2 मीटर, अगर मैं बात करूं तो 0.10 मीटर की बात करूं। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी इसमें 2 × 9.8 × 0.10, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 1.96 और ये आ जाएगा 1.4, कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये केस आपको क्या करना है याद रखना, ये बड़ा सिंपल सवाल है, ऐसे ही मैंने आपको कल भी कराए थे, आज फिर करा रहा हूँ। चलिए देखिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट करके, सिंपल है। चलिए ओके, क्योंकि आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा वर्क पावर एनर्जी के ऊपर, ठीक है, एनर्जी लेके चलेंगे, एक पावर का हम और क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए ये कहता है, एक और क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक का, ये कहता है अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज, अ बॉल whose kinetic energy
काइनेटिक एनर्जी इज ई। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ई है। इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 degrees टू द हॉरिजॉन्टल ठीक है। फिर क्या रहा है? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल? द बॉल एट हाइट, क्या चीज है हाइट? पॉइंट ऑफ लाइट ये आपके पास में है। पूछ रहा है कि अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी ई, एक बॉल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या ई है, इज प्रोजेक्टेड, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है किसके साथ में? आपके एट एन एंगल 45 degrees, क्योंकि 45 degrees पर मैक्सिमम आपकी रेंज आती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये केस आपने इस तरीके से चेक किया। अगर मैं बात करता हूँ, लेट द बॉल इज प्रोजेक्टेड, मान लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, लेट द बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू, तो यू के साथ में होता है, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि आपका कोई भी ये ग्राउंड है, ये कोई वेलोसिटी है, तो इस तरीके से इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पर दो केस होते हैं, ये यू जो होती है, यू वेलोसिटी, यहाँ पर इसके दो केस होते हैं, ये आ जाता है यू साइन थीटा और ये आ जाता है यू कॉस थीटा, इसके साथ में ये इस तरीके से ये केस होता है। और ये जो वेलोसिटी होती है इसको क्या कहते हैं? यू कहते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल के केस में, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये केस आपने देख ली, तो इसकी काइनेटिक जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, वो चेक हमें करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है ई, तो काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू ई क्या होगी? हाफ एम यू स्क्वायर। ये तो है जो हमें पता है कि भाई ये प्रोजेक्टेड है, ई की वैल्यू यू के साथ में है, ठीक है। अब कह रहा हूँ मैं एट द हाइट पॉइंट, अगर मैं हाइट पॉइंट की मैं बात कर देता हूँ, तो हाइट पॉइंट के केस में जो वेलोसिटी होती है वी यू आती है इस तरीके से। हाइट पॉइंट का केस है तो ये आ जाएगा यू अपॉन में रूट टू, क्या होती है? यू अपॉन में रूट टू, क्योंकि जो मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली जाती है इसके केस में, जो यू क्या चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पे यू कोई वेलोसिटी इस तरीके से मैक्सिमम मान के चलते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, रूट टू से क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो यू बाई रूट टू। तो इस केस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी, मतलब ई डैश जो आएगी वो क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप जब ई डैश की बात करोगे तो हाफ एम और वी की जगह पर क्या है? यू बाई रूट टू, ठीक है। कितना जाएगा? रूट टू स्क्वायर। तो ई डैश इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो 1/2 एम यू स्क्वायर की वैल्यू क्या चीज़ है आपके पास में? ई है। तो ये आ जाएगी ई डैश इज इक्वल टू ई बाई टू। तो ये आपके पास में न्यू काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाइट पॉइंट? तो ई बाई टू, मतलब पहली की क्या है ये? आधी है। इसकी क्या रहेगी? ये आधी रहेगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही इस क्वेश्चन में करना है। चलिए, ज़्यादा वैसा सवाल नहीं था, केवल समझने वाला सवाल था एनर्जी के साथ में।
मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में इसलिए नहीं बताया, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, उनके ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट में आंसर लिखो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करो और लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे इम्पल्स मूवमेंट थ्योरम के ऊपर, इम्पल्स का, इम्पल्स मोमेंटम का केस मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ से। इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम, तो थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूलों के बारे में बता देता हूँ आज आपको, क्योंकि फिर फॉर्मूले आपको पता नहीं चलता। देखो इम्पल्स को हमेशा क्या करते हैं, इम्पल्स होता आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू माय टाइम, फोर्स अप्लाइड ऑन अ वेरी, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स कहते हैं। और ये आपका केस अगर मैं बात करूँ इम्पल्स के केस में, तो इसको क्या बोल देंगे, चेंज इन मोमेंटम भी बोल देते हैं, इसका मतलब बोल देते हैं इसको डेल्टा पी। अगर मैं एक केस करूँ, देखो इसका ओरिजिनल फार्मूला लिखते हैं कि आई बराबर, जो ओरिजिनल फार्मूला है आई इज इक्वल टू एफ इंटू में डेल्टा टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द डेल्टा पी, तो आई इज इक्वल टू एफ इंटू में डेल्टा टी विच इज इक्वल टू, डेल्टा का मतलब है दिस, ये आ जाएगा आपके पास में वी माइनस यू, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है, क्या चीज़ आया, चेंज इन मोमेंटम है, तो ये केस आपको याद रखना है। दूसरा अगर केस बात करें इम्पल्स फोर्स के केस में, अगर आ जाता है दिस इज, जिसकी लिमिट दी गई हो, क्योंकि टाइम वेरी करता है टी वन से टी टू, तो एफ इंटू में डेल्टा टी भी हो सकता है और डेल्टा पी भी हो सकता है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है, डेल्टा टी की जगह पर डी टी कर दीजिए, क्या कर दीजिए बेटा, डी टी। ये तो केस है इम्पल्स मोमेंटम का केस। अब देखो आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ में अगर आप रिलेशन निकालना चाहते हो मोमेंटम के साथ में, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा इसको के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कहीं कहीं ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो भी मर्जी है, चलो के से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में टू एम, तो यहाँ से ये भी आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम के, के कहते हैं, कहीं कहीं ई भी कह देते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो पी इज इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा 2m के, ये फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला भी पता है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जब एंगल गिवन हो, FDS क्या कह सकते हो आप, cos थीटा की बात भी कर सकते हो, कि अगर आपके साथ में चेंज हो रही है पोजीशन, तो आप इंटीग्रल की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं कहना चाहता हूँ S1 से S2 F इंटू में DS, ये केस भी आप इसके केस में पढ़ सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MgH होता है ये केस में, तो कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ गई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये नहीं है कि आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी में इन्हीं के ऊपर आप प्रॉब्लम कराते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, इक्वेशन से भी लिखवाए हैं। इम्पल्स मोमेंटम का केस मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए पहला कह रहा है क्रिकेट बॉल ऑफ मास, ये कहता है आ क्रिकेट बॉल ऑफ मास, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, एक क्रिकेट बॉल है जिसका मान 150 ग्राम है, मूविंग विद द वेलोसिटी, मूविंग विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये कह रहा है ये इज ब्रॉट टू रेस्ट, इज brought to rest by a player in
by a player in 0.5 second. कितनी है 0.5, ऐसे है, सॉरी टाइम इंटरवल और छोटा है, 0.05 सेकेंड. ठीक है, ये क्या, कैलकुलेट द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स, कैलकुलेट द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर, बाय द प्लेयर. ये केस कह रहा है, आपको पता है, मैंने आपको फॉर्मूला पहले गिवन क्या क्या ये चीज़ चेक कर लो, उसके बाद में बात करते हैं. गिवन में मास है इतने ग्राम, 150 × 10⁻³ ग्राम, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.. ठीक है, कितना अगर मैं इसको बात करूँ, विच इज इक्वल टू 0.15 kg, ये आ गया मास गिवन है. फिर कह रहा है विद अ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, आपको यू गिवन है, यू है आपके 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बाद में वी क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है, जीरो है, लेकिन इस समय को टाइम लगता है 0.05 सेकंड. आपको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पता, आई इज इक्वल टू, भाई तुम्हें ये क्या क्या है, मोमेंटम का केस है, इम्पल्स किसके बराबर है, एम वी माइनस यू के केस है, एम वी माइनस यू का केस है, क्योंकि मोमेंटम थ्योरम ये भी लिया था ना, आई बराबर, क्योंकि मोमेंटम थ्योरम का केस क्या पढ़ा था भाई, इम्पल्स पढ़ा था फोर्स इंटू में वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम विच चेंज द मोमेंटम, ये केस था, आपने ये केस पढ़ा था. ठीक है, इसको कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. ठीक है, यहाँ से I इज इक्वल टू m, m हो गया 0.15, v जीरो हो गया, माइनस u कितना हो गया आपका 15. ठीक है, और आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो I बराबर जो इसका केस आएगा कितना जाएगा, माइनस में 2.25 न्यूटन मीटर. ठीक है, क्या जाएगा, मोमेंटम है ना, है सेकेंड में आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड. ठीक है, फोर्स इंटू में टाइम, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड. इस केस को यहाँ तक किसी ने कोई डाउट हो तो पूछिएगा मल्टीप्लाई करके. दूसरा केस इसी में पूछ रहा है, एवरेज फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज फोर्स क्या होता है भाई, एवरेज फोर्स, फोर्स यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा इम्पल्स अपॉन में टाइम. इम्पल्स कितना आ गया, माइनस 2.25 न्यूटन सेकेंड अपॉन में 0.05, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 45 न्यूटन. तो इस तरीके की ये प्रॉब्लम रहेगी आपका, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछिएगा. सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ों को याद रखिएगा, कुछ नहीं है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में, तो कुछ भी नहीं है भाई. फॉर्मूला जब तक तुम्हें याद नहीं होगा कोई कुछ नहीं निकाल पाएगा, ये भी याद रखना. अपने फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर लो सारे चीज़. चलिएगा एक और क्वेश्चन करता हूँ. ये क्या है, वह लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास 2 × 10⁴ kg, ये रॉकेट का क्या है, मास है. अ फोर्स ऑफ फाइव इंटू टेन रेज टू फाइव न्यूटन इज अप्लाइड फॉर ट्वेंटी सेकेंड. ठीक है,
कैलकुलेट द वेलोसिटी, द वेलोसिटी ठीक है अटेनेड बाय द रॉकेट इन रॉकेट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड। ये चीज पूछी है उसने। गिवन क्या है इसमें देखो, व्हाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास 2×10⁴। आपको देखिए सॉल्यूशन को फटाक से कीजिएगा। एम गिवन है, मास गिवन है 2×10⁴, केजी गिवन है, आपके पास फोर्स भी गिवन है 5×10⁵ न्यूटन फोर्स भी गिवन हो गया। टी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 20 सेकेंड हो गया। ये केस आपने क्या काम कर दिया है, ये आपके पास में गिवन है, लेकिन जब लॉन्चिंग करते हैं तो यू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रॉकेट ऐसा तो है नहीं उड़ रहा है, पहला क्या है लॉन्चिंग करते समय क्या वो रेस्ट में होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, जीरो रहेगी। लेकिन आपको वी निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, तो निकालिए। इम्पल्स का केस क्या है भाई, ये फॉर्मूला लगा दो, फोर्स इंटू में टाइम विच इज इक्वल टू मोमेंटम वी माइनस यू। तो फोर्स कितना है 5×10⁴ और ये कितना है 20 हो गया, विच इज इक्वल टू कितना है 2×10⁴ और वी माइनस जीरो। तो आप जब वी को निकालोगे तो 5×10⁵ इंटू में 20 अपॉन में क्या करोगे 2×10⁴, इससे ये 10 टाइम्स गया, इससे ये 10 बार गया, तो वी बराबर 50×10, दिस इज द 500 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या रहेगी वेलोसिटी रहेगी। चेक कीजिएगा इसी आर्टिकल को, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है इसी में एक केस और कर देते हैं। ये कहता है अब फोर्स ऑफ फाइव, क्योंकि ऐसे चलो न्यूटन का केस आपने और कर लेगा, ऐसे ही एक आर्टिकल और है लेकिन उसको आपको करना है ठीक है, मैंने करना, ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाएंगे तो शॉर्ट में नेक्स्ट लेके चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम है, एक दो आर्टिकल ही करूँगा मैं। ये कहता आ 50 kg, क्या कह रहा आ 50 kg मैन, आ 50 kg मैन विद 20 kg लोड ऑन हिज हेड, ठीक है क्या चीज है लोड ऑन हिज हेड, ये केस आपने देख लिया हेड, क्लाइम्स 20 स्टेप, क्लाइम्स अप 20 स्टेप्स, मतलब 20 स्टेप चलता है ठीक है, ऑफ 0.25 मीटर, हर एक स्टेप कितना है 0.25 का रहेगा। ये कहता है फर्स्ट ऑफ ईच वर्क डन इन क्लाइंबिंग एज, ठीक है ये कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेट हिज वर्क डन, वर्क डन ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं चलो ठीक है। अब देखो ऐसा है, ये सीढ़ी है, ये फिर गया इस तरीके का, ये केस है ऐसे 20 टाइम्स है, पहला स्टेप कितना है 0.25, ऐसे 20 स्टेप आपका क्या करेगा ये हाइट के साथ में बढ़ता बढ़ता ऊपर पहुंचेगा। तो ये केस आपने सबसे पहले कैलकुलेट कीजिएगा सॉल्यूशन में, टोटल ये जैसे मास मैन और लोड का मास है, तो टोटल मास कितना हो गया 50 kg मैन हो गया, 20 kg कौन हो गया ए लोड हो गया, तो कितना हो गया 70 kg। हाइट कितना चलेगा, हाइट
एच चल रहा है हाइट में, तो 20 स्टेप चला, लेकिन हर एक स्टेप कितना है, इतने का है। तो ये आपका निकलेगा, अगर मैं बात करूँ तो 5 मीटर, ठीक है। अब आपको पता वर्क डन, वर्क क्या होता है, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट के साथ में जा रहा है। तो W बराबर M कितना हो गया, 70 इंटू में 5 इंटू में 9.8। तो वर्क डन जो कैलकुलेट आया है यहाँ पर वो आया है 3430 जूल्स, इतने जूल। सिंपल है, इस तरीके का कैलकुलेशन आपको क्या करना है, करना ही करना है। बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक पोजीशन वेक्टर के ऊपर आया हुआ है, पोजीशन वेक्टर के ऊपर आपको वर्क डन निकालना सिखा देते हैं कि किस तरीके का वर्क डन होता है। थोड़ा सा आज के लिए इस क्वेश्चन तो बहुत हैं। ये कहता है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, पहला केस कह रहा है इसमें अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, याद रखो पॉइंट है -2i +5j, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ टू 4j +3k, ये मूव कर रहा है। वेन अ फोर्स ऑफ 4i +3j न्यूटन, क्या चीज़ है, 3j न्यूटन इज अप्लाइड। क्या कहता, हाउ मच वर्क हैज बीन डन, बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ये क्या कह रहा है, ठीक है, हैज बीन वर्क डन बाय द फोर्स या पार्टिकल, पार्टिकल के द्वारा क्या हमारे पास में वर्क लगेगा, ये चीज़ आपने देख ली। अब देखो, सिंपल केस है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको दो है, ये इनिशियल ये फाइनल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या निकालते हैं। सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो देखो, जैसे मैं कहना चाहता हूँ डेल्टा एक्स, तो ये क्या रहेगा, x2 - x1, और x1 क्या चीज़ है, ये x1 है ये x2 है। तो डेल्टा x जब आप निकालोगे, डेल्टा x, डेल्टा r, डेल्टा जो भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये कह रहा 4j +3k, ठीक है, और माइनस कितना है 2i +5j, ये केस कह रहा है। तो डेल्टा x बराबर कितना आ जाएगा, 4j, जे ये कह रहा है ना, जे अगर आप देखो, अगर हम केस इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, ये चीज़ चेक कीजिएगा। सबसे पहले 4j है, लेकिन यहाँ i है, तो हमारा ij के की फॉर्म में रहता है, तो चलिए इसको कर देते हैं। हाँ भाई, सेम वेक्टर आपका ऐड होगा, जैसे -, -, +, तो ये हो गया 2i, ओके। अब ये है j, ये 5j, ये माइनस, ये प्लस 4j, ये -5j, तो 4j में से -5j गए तो कितना बचेगा, j, और ये आ गया 3k, ये आ गया ये। आपके पास में फोर्स भी गिवन है, फोर्स कितना है, ये कहता है 4i +3j, ये आपने फोर्स भी देख लिया। अब वर्क डन आपको पता है, वर्क डन कितना है, फोर्स इनटू में डेल्टा एक्स की मैं बात कर देता हूँ, डेल्टा एक्स, तो W = 4i +3j डॉट कितना है आपके पास में 2i -j +3k।
तो आपको क्या काम करना है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आई डॉट आई वन होता है, आई डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज़ आप याद रखना, सिमिलर आई डॉट आई करेंगे तो एट इंटू में टू कितना है ना, फोर इंटू में टू आई भाई करोगे, फोर इंटू में टू कितना हो गया एट भाई, ये करोगे जे के साथ करोगे आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, आई डॉट के जीरो हो जाएगा, अब इसके साथ करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, तो माइनस के थ्री बराबर कितना आ जाएगा, फाइव जूल। ये याद ना, तो वर्क डन किसके बराबर है, फाइव जूल के बराबर है, सिंपल है। ये केस मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाए थे, और अभी वेक्टर भी पढ़ाया था, दो दिन पहले क्लास चली थी, तो ऐसी प्रॉब्लम आपके आ सकती है। ठीक है, तो ये केस हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम है इस केस में, देखिएगा, ये कह रहा है अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू सेवन माइनस टू एक्स माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरीके का केस है। ठीक है, ये कहता है न्यूटन एक्स ऑन अ स्मॉल, न्यूटन एक्ट ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास, ऑफ मास टू के जी, टू के जी है, एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम, डिस्प्लेस इट फ्रॉम जीरो टू, ये कह रहा है डिस्प्लेस फ्रॉम एक्स बराबर जीरो टू एक्स बराबर फाइव मीटर। ठीक है, उसके बाद में देन वर्क डन इन जूल, देन वर्क डन इन जूल इज, ये आपका सिंपल केसेज है। तो इस केसेज में जो वर्क डन होता है, मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन का केस। वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स वन एक्स टू एफ इंटू में डी एस, ये केस है आपके पास में, तो डी एक्स, तो ये केस आ जाएगा, तो डी एक्स के कह दीजिए इसको, मतलब ये केस रहेगा डी एक्स, ऐसे फॉर्मूला ये आपका बनेगा। एफ भी पता है और डी एक्स पता है, तो आप लिख दीजिए, तो W बराबर लिमिट कहाँ जा रही है, जीरो टू फाइव जा रही है, जीरो टू फाइव जा रही है, F कितना है सेवन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू में क्या जाएगा डी एक्स आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट में लगा दूंगा, ये आ गया सेवन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एक्स क्यू बाई थ्री, ये इंटीग्रेट कर दिया जीरो टू फाइव, इससे कैंसिल आउट हो रहा है इस तरीके से, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवन इंटू में फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव और प्लस वन ट्वेंटी फाइव, बाकी जीरो, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, लोअर लिमिट क्या हो रही है, जीरो हो रही है, एक केस आपको पता हो गया होगा। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी फाइव, तो पच्चीस दस एक सौ पैंतीस, वन थर्टी फाइव जूल, ये केस ऐसा आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं ये केस। ठीक है, चलिए, ये इस तरीके का केस आपने पढ़ा, और देखिएगा, ये तो केवल सिंपल फॉर्मूले हैं, परसेंटेज वाले मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कि क्या होगा अगर इसके इतने परसेंटेज हम सॉरी चेंज हो जाता है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ये कह रहा है इफ द काइनेटिक एनर्जी इज डबल, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज डबल डबल्ड, ठीक है डबल्ड, देन इट्स मोमेंटम विल बी, देन इट्स मोमेंटम विल बी, तो इसके ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन ए कह रहा है
रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। बी कह रहा है इसका बी डबल्ड, बी डबल्ड, ठीक है। क्या कह रहा है? डबल्ड। तीसरा कह रहा है इंक्रीज, इंक्रीज रूट टू टाइम्स। सी कह रहा है इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज रूट टू टाइम्स। तो इतना इतना टाइम्स है, तो ये कहना चाह रहा है ये क्या है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का केस क्या है, मैंने आपको बताया था, रिलेशन बताया था, पी इज इक्वल टू, चलो सीधा कर ही देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आप यहाँ से पी के साथ में मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई टू एम हो गया, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम के हो गया, और पी इज रूट क्या आ गया, टू एम के। अगर मैं बात करूँ तो पी यहाँ पर किसके साथ में बढ़ रही है भाई, जो काइनेटिक एनर्जी है भाई, टू एम ही तो है, इसका मतलब कह सकते हो रूट के। तो ये केस में ये कहना चाह रहा है के भाई प्रोपोर्शनलिटी, सॉरी भूल गया, प्रोपोर्शनलिटी, तो रूट के टाइम्स है। वो कह रहा है इफ इफ काइनेटिक एनर्जी टू टाइम्स, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, देन देन पी, पी की वैल्यू क्या है डालो, तो पी की वैल्यू हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू के। इसका मतलब रूट के, रूट के भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टू इंटू में रूट के, तो कितने टाइम्स हो गया ये, अंडर रूट टू टाइम्स, इतने टाइम्स क्या हो जाएगी ये, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बताइए। तो ये केस इस तरीके से आपको करने हैं बेटा, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा हूँ, एग्ज़ाम में ड्यूटियाँ चल रही हैं। तो अब नेक्स्ट क्लासेज में मैं आपको परसेंटेज के साथ में काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा कि अगर कोई लीनियर मोमेंटम इतने परसेंट इंक्रीज हो जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी के प्रॉब्लम परसेंटेज में, और बात करेंगे हम पावर के ऊपर। तो ये करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, प्रैक्टिस करिए।